वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेटिक। किससे पिछला वीडियो कुछ खास चला नहीं क्योंकि मेरा पिछला वीडियो का रिलीज और न्यूज़ पे सुसाइड की रिलीज दोनों एक ही समय पे हुआ था, तो इसके वजह से मेरा वीडियो लास्ट कुछ बूम नहीं हुआ था। और सुसाइड जो अभी जैसे बॉलीवुड में जैसे चल रहा है लाइक हिपोक्रेसी और सेवन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत को बैन कर दिया था, अब लोग बहुत लोग है तो मुझे बहुत मेरे दोस्तों ने भी कहा कि चलो यार तुम सलमान खान के ऊपर या फिर नेपोटिज्म के ऊपर या सुशांत को ट्रिब्यूट देने के हिसाब से तुम वीडियो बनाओ। तो आई वाज लाइक कि करूंगा लेकिन मतलब नहीं है ना, मतलब करण जोहर खुद बोलता है कि आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरे चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द फक आई वांट। अब करण जोहर के शब्द है ये, अब करण जोहर ने कहा है कि जो उसको करना है वो करेगा। अब जब वो बोलता है कि मैं गोबर खिलाता हूँ, मैं गोबर परोसता हूँ, तो खाने वाले तुम हो, मैं हूँ और बाकी लोग हैं। तो अगर जब हमें कोई गोबर खाने का शौक चढ़ा है तो हम क्या बॉलीवुड को बोलेंगे और मैं किसको क्रिटिसाइज करूँ, क्या करूँ? अब सलमान खान के खिलाफ मैं कुछ बोल दूँ तो तीन चार चीज़ें हैं। अब कोई बोलता है कि यार वो चैरिटी करता है और बाकी सारी चीज़ें करता है, और कोई बोलता है कि यार उसने हिपोक्रेसी और नेपोटिज्म को सपोर्ट किया है। अब मेरा ओपिनियन अगर तुम पूछो तो भैया, अगर मैं किसी गरीब को खाना खिला दूँ और उसका उसी गरीब अगर फुटपाथ पे सोया हो तो गाड़ी चला दूँ तो कोई मतलब तो है नहीं। तो वो सारी बातें हैं। तो हिपोक्रेट है, वो नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रहे वो कर रहे उनका जो भी है जो है। लेकिन अगर तुम लोगों को भी अगर लगता है कि यार करना चाहिए, तो पर्सनली मेरा अगर ओपिनियन पूछो, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आके गई, तुम्बाड़ वन ऑफ माय फेवरेट मूवी थी। उस मूवी को बनने में 12 साल लग गए, लाइक हर एक्टर की मेहनत अगर तुम उसका मेकिंग वगैरह देखोगे यूट्यूब के ऊपर तो तुमको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत से छोटी फिल्में बनती है। और इसलिए उनके पास पैसे नहीं बचते कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे सके या उस मूवी के लिए इतनी हाइप क्रिएट कर सको। और अगर सुशांत की बात करूँ तो सुशांत की जब सोन चिड़िया आई थी उस समय लुका छुपी भी रिलीज हुई थी, और मुझे याद है मैं खुद लुका छुपी देखने गया था, क्योंकि वो भी कंसेप्ट नया था, ये भी कंसेप्ट नया नहीं था, बट उसका जो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज या प्रमोशन इतना अच्छे से नहीं हुआ था कि किसी का इंटरेस्ट बने सोन चिड़िया के लिए। अब उस सब की बात हम नहीं करेंगे, वो पुलिस कर रही है रिसर्च, बॉलीवुड अभी केस भी चढ़ चुका है हर करण जौहर, एकता कपूर एंड बाकी सबके ऊपर, तो उन सब की बात हम नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ट्रेलर रिएक्शन के साथ। और मुझे लगता भी बाकी लोगों के पर्सनल मामलों में पढ़ना चाहिए, तो लेट्स गो विद द ट्रेलर आई गेस। कहानी सुनोगी? डरावनी कहानी है। बुलबुल, बहुत समय पहले की बात है, एक चुड़ैल थी पेड़ों पे। और ये मेरी एक्स नहीं है, ठीक है? थी। उल्टे पैर थे उसके, खून की प्यासी थी। वो कहाँ है जिससे मेरी शादी हुई थी? वो तो हम है। नहीं, वो तो मेरे जितना था। उसका नाम सत्या था। हमें नहीं करनी शादी वादी। सब करते हैं। साधु नहीं करते, बॉल नहीं करते, उल्लू नहीं करते। अब खुश नहीं हो? अब उन्हें कौन समझाए बुलबुल को, तो बस सत्या चाहिए। मुझे अकेले डर लगा। चल आ जाएगी। नहीं पांच सालों में कितना कुछ बदल गया ना भाभी, क्या हो गया ये? पूजो के दिन ही खा गई चुड़ैल महेंद्र को। होनी है, इंसान है, आदमी है। किसी को देखा, कुछ सुना? नहीं। हवेलियों में बड़े राज होते हैं। चुप रहना। तो ट्रेलर तो काफी हद तक अमेजिंग ही लग रहा है भाई, और कुछ खास बोलेंगे नहीं। हालांकि चुड़ैल बोलने के बाद मेरे को अक्सर मेरे एक्स की आ जाती है, बट मतलब नहीं है।
और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बुलबुल आई गेस 2018 अक्टूबर नवंबर में भी अनाउंस हो गई थी, बट उस समय नेटफ्लिक्स पे और 9 मूवीज कुछ आ रही थी, शायद उसकी वजह से इन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपनी डेट, कि यार चलो कंपटीशन ना हो और जिस समय ज़रूरत पड़े उस समय, और काफ़ी अच्छे समय पे रिलीज़ करने का सोचा है, क्योंकि अभी ज़रूरत है मूवीज़ की, नेटफ्लिक्स किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को मूवीज़ की ज़रूरत है, और हमें खुद को, क्योंकि थिएटर्स बंद है काफ़ी हद तक। अनुष्का शर्मा की जितनी प्रोडक्शन की मूवीज़ है, लाइक NH10, परी, 2018 में परी आई थी, उसी समय इसको भी सोचा था कि उसको करना चाहिए। और इसी के साथ में अन्विता दत्त डेब्यू करने जा रही है डायरेक्शन के साथ, क्योंकि इससे पहले वो राइटर और लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर रही है, तो एज अ डेब्यूट डायरेक्टर में एज अ डेब्यूट वो करने जा रही है। और ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा की अगर बेस्ट, अगर तुमको रिसेंट वाला वर्क देखना है, तो पाताल लोक उससे बेहतरीन काम नहीं देख सकता। मुझे नहीं लगता कि पाताल लोक से बेहतर सीरीज रिसेंटली कोई मैंने देखी हो, बट 24 जून को ये आ रही है। हमें क्या है, हमें वही काम है, बस वो मूवी देखना है, जज करना है, फिर से आ जाना है वीडियो के ऊपर, बस वही सब है। वेलो रेटिंग की मैं बात करूँ तो हाँ, रेटिंग मैं डेफिनेटली इसको दूंगा 5 out of 4, बिकॉज काफी अच्छी सिनेमाटोग्राफी और कलर करेक्शन और VFX बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। बाकी तुम ख्याल रखो, न्यूज की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि जितना न्यूज देखोगे दिमाग खराब होगा तुम्हारा, और वैसे ही लॉकडाउन ने मार के रखी है, न्यूज वाले और अलग से मार रहे हैं, तो बस खुश रहो और देखते वगैरह रहो मेरा वीडियो। वेल चले तो जा रहा हूँ, लेकिन तुमको बता दूं कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, और लगे तो शेयर भी करो, और कमेंट तो करो ही करो, बीच में सब्सक्राइब चैनल का भी ऑप्शन तुमको दिख रहा है, तो सब्सक्राइब डेफिनेटली करो।